बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ ही अब क्षय प्रश्न, यहां पर यक्ष प्रश्न ये बन रहा है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये सवाल कर्नाटक में कांग्रेस से चुनाव से पहले भी पूछा गया, हालांकि तब कांग्रेस ने नतीजों के बाद फैसले की बात कहकर सवाल को टाल दिया था। दक्षिण के दुर्ग पर कौन करेगा राज? बहुमत के बाद नेता चुनने की मशक्कत। कर्नाटक में गांधी परिवार का चहेता कौन? खड़गे तय करेंगे किंग या खुद बनेंगे किंग? कांग्रेस ने जैसे ही कर्नाटक में 113 का जादुई आंकड़ा पार किया, वैसे ही हर जुबान पर एक ही सवाल आ गया, कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है, लेकिन एक फॉर्मूला जरूर तैयार किया गया है, जिसके दम पर कांग्रेस कर्नाटक में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक में मुख्यमंत्री के साथ तीन उप मुख्यमंत्री भी बनाएगी। तीनों उप मुख्यमंत्री तीन अलग अलग समुदाय के होंगे, एक लिंगायत, एक वोकालिग्गा और एक दलित समाज से आने वाले विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस फॉर्मूले के पीछे की वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव और कर्नाटक का सामाजिक समीकरण। कांग्रेस जिसे भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी, उसके जिम्मे कांग्रेस की 5 गारंटी को जनता तक पहुंचाना तो होगा ही, उस गारंटी का नतीजा भी जल्द से जल्द दिखाना होगा, ताकि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा मिल सके। हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसे चेहरे की तलाश में जुट गई है जो सारे सियासी समीकरणों को साधने में सक्षम हो। हालांकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 2 बड़े दावेदार हैं, पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया और दूसरे कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार। सिद्धरमैया ने 2013 में सीएम पद की रेस में मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पछाड़ा था। 5 साल तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चलाई थी, ऐसे में सिद्धरमैया के पास सरकार चलाने का अनुभव है। साथ ही पूरे कर्नाटक में सिद्धरमैया की अपनी एक पकड़ भी है, लेकिन सिद्धरमैया के साथ एक बड़ी दिक्कत है, उनकी उम्र। सिद्धरमैया 75 साल के हैं, जो कांग्रेस के दूरगामी सियासत के लिए फिट नहीं है। वहीं कर्नाटक में सीएम पद की रेस में जो दूसरा चेहरा बहुत तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है, वो है डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार वो नेता है जिन्होंने पिछले 5 साल लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी का डटकर सामना किया है। लेकिन डीके की मुश्किल ये है कि पूरे कर्नाटक में उनका वैसा प्रभाव नहीं है जैसा सिद्धरमैया का है। हालांकि डीके शिवकुमार ओल्ड मैसूर के उस इलाके से आते हैं जहां जेडीएस का दबदबा रहा है, और इस बार उस दबदबे को खत्म करते हुए कांग्रेस ने मैसूर में बड़ी जीत दर्ज की है। हमारे पास एक प्रोसीजर होता है कि कहीं भी राज्य में कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग उस एक प्रोसीजर के तहत ही करते हैं। यहाँ के MLAs की मीटिंग बुलाते हैं, ऑब्जर्वर सेंट्रल ऑब्जर्वर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ का जो ओपिनियन आएगा, जो कंसेंसस बनेगा, वो हाई कमांड को बताएंगे। हम लोग उसमें सभी रहेंगे, राहुल जी रहेंगे, सभी लोग मिलके निर्णय वो लेंगे। वो बाद में की बात है, अब यही ठहरे ठहरे ऐसा निर्णय कोई भी नहीं लेता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद जब सीएम पद के लिए सवाल पूछा गया, तो उन्होंने पार्टी के नियमों को समझाकर उससे पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सियासी जानकार जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के मन में भी कर्नाटक के सीएम बनने की आकांक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं। खड़गे 3 बार कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनते बनते चूक गए थे, इस बार कांग्रेस की कमान उनके ही हाथ में है। ऐसे में अगर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच कुर्सी को लेकर रस्साकसी ज्यादा तल्ख हुई, तो कांग्रेस के लिए खड़गे भी एक विकल्प हो सकते हैं।
इन तीन नेताओं के अलावा भी कांग्रेस में कई नेता हैं जो सीएम पद की लालसा पाले बैठे हैं। इन नेताओं को उम्मीद है कि सिद्धारमैया और डी के श्रीकुमार की महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में उनका दांव लग सकता है। इन नेताओं की लिस्ट में सबसे ताकतवर नाम पूर्व उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर का है। जी परमेश्वर का दलित समाज से आना उनकी प्रोफाइल को मजबूत बनाता है। हालांकि सिद्धारमैया ने चुनाव से पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस उन्हें कुछ वक्त तक सीएम पद देकर एक सम्मानपूर्ण विदाई दे सकती है और ढाई ढाई साल के फॉर्मूले के तहत पहले सिद्धारमैया और फिर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद दे सकती है। लेकिन इस पर डीके शिवकुमार भी सहमत होंगे ये अहम सवाल है। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज शाम होने वाले विधायक दल की बैठक में भी चर्चा हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का सिस्टम रहा है कि विधायक दल की बैठक में सीएम पद की चयन की जिम्मेदारी कांग्रेस आलाकमान को सौंप दी जाती है। उम्मीद है कि आज की कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी इसी परंपरा को दोहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।